आप बताना चाहते हैं भैया, आपको खिदिरपुर में बारिश के मौसम में कैसा लगता है? ना स्विमिंग पूल बना के रखते हैं भाई, स्विमिंग पूल बना के रखते हैं। हेलो गाइस, मैं आपका संवाददाता नवाज चोचला और आज हम लोग आ चुके हैं खिदिरपुर पे। खिदिरपुर में आ चुके नहीं, मतलब हम भी यहाँ खिदिरपुर में रहते हैं और यहाँ पे देखिए बारिश का सीज़न को सब इन्जॉय करते हैं, सब इन्जॉय करता है और मेरा फेवरेट सीज़न भी है रेनी सीज़न। लेकिन हम लोग जो इलाके में रहते हैं यानी यहाँ पे झेलते हैं बारिश के मौसम को, तो यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि उन लोग का क्या समस्या है। बोले चाचा, बारिश के मौसम में आपको कैसा लगता है खिदिरपुर में रहने में? अरे बहुत जानदार लग रहा, बहुत और थोड़ा बढ़ जाने से जानदार लगता है। यानी और थोड़ा पानी भर जाएगा, आपको और मजा आएगा। ये तो झांट का पानी में कुछ नहीं हो रहा, मजा ही नहीं मिल रहा। मतलब कितना तक पानी होना चाहिए? कमर तक पानी हुआ तो क्या हुआ? अरे पूरा तैरने वाला पानी होगा तब ना राशन पानी आएगा। इसमें क्या गांडू का बच्चा राशन भेजाएगा? कोई बेटा भेजाएगा राशन? सही खट के खाने होगा। अरे गला तला पानी जाएगा, रंडी गल का खाना जरूर मिल जाएगा। सही बात, सही बात। यानी पानी इतना तक आएगा, आराम से घर बैठो खाना ठीक पहुंच जाएगा। डुबकी लगाएंगे खाना खाएंगे, कोई कमाने का दरकार नहीं, डुबकी लगाओ और खाओ। तो यानी आप चाह रहे हैं कि यहाँ तक पानी आ जाए ना? इससे भी ओवर हो जाए, इससे भी ओवर हो जाए तो देसी खाना मिलेगा ना? एक महीना का खाना एक दिन में मिलेगा। शुक्रिया करेंगे मंत्री लोग का। चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम नवाज चोचला। और मेरा नाम नहीं पूछेगा? हाँ, आपका नाम? एम अली। एम अली? एम अली मतलब? एम अली। एम का फुल फॉर्म? मोहम्मद अली किले। आपको तकलीफ है बाबू यहाँ पे? आपको तकलीफ है पानी में? बोल, बोलो, बोल दो, बोल, बोल, जोर जोर से बोल दो। तकलीफ है? सिर्फ तकलीफ है ना? क्यों तकलीफ है बताओ? पानी पड़ना तो अच्छा बात है ना? कचरा भी जरूरत से जाम। ओ, यहाँ पे कचरा भी जाम है। बोलिए, आप इतना मेहनत से इतना पानी में डूब डूब के रिक्शा टान रहे, आपको बहुत ही तकलीफ हो रहा है। रात कहीं ऑटो वाले को आने के लिए? ऑटो वाले को आने के लिए इस रोड में? ऑटो वाला को आने बोल रहा, आके दिखाओ, ऐसे तो ठीक टांग लेते हो। मतलब आप यही कहना चाहते हो ना, जब पानी नहीं आता ठीक टान टान के ले आते हो, अब पानी भर गया तो कहाँ हो तुम लोग? देख लो जो वीडियो, हाँ दिखाओ आके। ये मैन पावर, मैन पावर ना डीजल ना पेट्रोल, क्या चाचा? खून और पानी, खून और पानी। हम लोगों तो गलती है ने, ये तो मतलब निजामुद्दीन जो है, हम लोग यहाँ काउंसिलर, उनको तो दिखना चाहिए पर मतलब वो तो अपना काम पूरा कर ही रहे। जहाँ तक के कहने को मिला, सुनने को मिला कि वो अपना पूरा व्यवस्था ठीक कर रहे, बोल रहा हल्का हल्का सिचुएशन ठीक होगा। जो भी आपका दिल में भाई, रुके रुके, बोलेंगे यहाँ हालात भी कैसा है? जो भी आपका दिल में भाई, जोर जोर से बोल दीजिए। यहाँ हालात ऐसा है जो बना रहे हैं, खाली वोट लेने का टाइम में माँ बहन करके यहाँ आता है, अब बोलता वोट हमको दिए, वोट हमको दिए, देता वोट आदमी आइए ऐसे सिला हुआ देखे यहाँ पर ही पानी जम गया, कोई कुछ का सिस्टम नहीं यहाँ पर ही। वही तो, खिदिरपुर इतना अच्छा एरिया जहाँ पे 90% बंगाल में यहाँ पे मोबाइल का एक्सेसरीज ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पे 3 महीने में इतना ज़्यादा तकलीफ हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं, लोग घुटना के बल में पानी में जा रहा है। सुबह में तो भाई आप लोग तक आ रहा था, कमर तक आ जा रहा था। आप लोग गाइस देख ही सकते हैं, यहाँ के लोगों से हम लोग बात किए, उन लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को यहाँ का आदत हो चुका है, यहाँ का पानी का, कि पानी भरने का मसला। कोई बोल रहा है कि यहाँ का सरकार का गलती है और कोई बोल रहा है कि यहाँ का सरकार तो अपना काम कर ही रहा है। तो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है आप लोग भी जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोग भी ज़्यादातर खिदिरपुर के, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो और देख सकते हो कि जितने भी रास्ते हम लोग अभी तक आए सभी जगह पानी है। देखिए आप लोग कमेंट करके बताइए ये हम लोग का खिदिरपुर एरिया के बारे में। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, सतर्क रहें।